मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी भूचाल आया हुआ है। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि दो दोस्त होंगे आमने सामने। सिंधिया के खिलाफ ताल ठोकेंगे सचिन पायलट, तो क्या कहता है ओपिनियन पोल, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 30 महारथी मैदान में उतारे हैं। इनमें से एक नाम राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट का भी है, जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त हुआ करते थे, अब सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोटों का प्रभाव देखते हुए कद्दावर युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। सचिन पायलट सिंधिया समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। चलिए जानते हैं कि दो दोस्त चुनाव मैदान में होंगे आमने सामने। सचिन पायलट और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपस में अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो विधानसभा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। सिंधिया जहां अपने दल यानी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके पीछे पार्टी की सोच है कि सचिन पायलट ग्वालियर चंबल अंचल से चिर परिचित हैं, उनके प्रभाव का कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये दोनों दोस्तों के बीच का एक मुकाबला है। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इनमें कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 30 महारथी मैदान में उतारे हैं। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, अशोक चौहान, भूपेन बघेल, नवजोत सिद्धू समेत पूर्व सीएम दिग्विजय और स्वयं कमलनाथ कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।